सो हे ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। सबसे पहले मैं हूं द न्यूज़मैन। आज मेरे पास काफी बढ़िया बढ़िया स्टोरी है, तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपना फर्स्ट स्टोरी की ओर। फर्स्ट स्टोरी जो निकल के आ रहा था भाई जोगिंदर से निकल के आ रहा था भाई जोगिंदर ने रात को इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे। वो उर्फी जावेद पर गुस्सा जताते हुए ये कहा, आप लोग क्लिप देख सकते हैं। तो मैं अब आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अब पब्लिक आप लोगों के हाथ में है। इस लड़की को जानते हो आप लोग? अगर नहीं जानते तो एक बार आप लोग इसकी एक बार वीडियो देखो। मैं आप लोग इस लड़की की प्रोफाइल देखना आप लोग, और मैं इसकी वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं सकता, माफ करना मेरे को। बट इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग नाम भी पढ़ लो। मैं इस लड़की का नाम भी नहीं लेना चाहता, इस लड़की का नाम भी नहीं लेना चाहता। इसके इंस्टाग्राम पे जाके एक बार आप लोग इसकी वीडियो देखना, इसने कैसी कैसी वीडियो बना रखी है। बट इस लड़की के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हिंदुस्तान के अंदर, पर थारा भाई जोगिंदर बोलेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक लड़के के ऊपर हिंदुस्तान एक साथ हो सकता है कि उसने ऐसा फोटो शूट क्यों कराया, तो इस लड़की के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? ये ऐसी वीडियो बनाते हमारे हिंदुस्तान। तो ये थे हमारे थारा भाई जोगिंदर, जो उर्फी जावेद के ड्रेस सेंस के बारे में कुछ बोल रहे थे। सो भाई लोग, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। नेक्स्ट स्टोरी जो निकल के आ रहा है क्रेजी डीप से निकल के आ रहा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्रेजी डीप ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है। उसके साथ यूट्यूब में क्या क्या हो रहा था, उसके वीडियोस के साथ क्या क्या हो रहा था, उसने एक्सप्लेन करी है इस वीडियो में। उसने कहा कि इस वीडियो के साथ मेरे चैनल पर कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब इंडिया का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जस्टिस फॉर दीप ट्रेंड भी चल रहा था ट्विटर पर, आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उसके बाद मनोज दे रिएक्ट करते हुए ये कहा, आप लोग वीडियो क्लिप देख सकते हैं। YouTube हमेशा से ऐसा करता आ रहा है और अभी भी करता है। YouTube क्या करता है कि किसी किसी क्रिएटर को YouTube ने अपना भाई बहन चाचा भतीजा बना करके रखा हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, आप लोगों को कहीं लोगों को समझ में ही नहीं आया था, कहने का मतलब ये था कि आप लोग देखना कुछ कुछ यूट्यूबर से जो आपको यूट्यूब के हर एक कोई भी अगर इवेंट हो रहा है, यूट्यूब का कुछ भी जैसे नया लॉन्च हो रहा है तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो फैन फेस्ट हो, यूट्यूब का कोई इवेंट हो, यूट्यूब का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो आपको उसी क्रिएटर को देखने को मिलेगा। मतलब उन्होंने भाई बहन चाचा भतीजा बना लिया है, उन लोगों का ही वीडियो आपको दिखेगा, वही लोग आपको हर तरफ दिखेंगे। साथ ही ट्रेंडिंग सेक्शन पर भी उन्हीं के वीडियोज़ आपको दिखता आएगा, ठीक है। जैसे अगर व्यूज़ कम भी आ रहा फिर भी ट्रेंडिंग में दिख जाएगा। आपके मनोज भाई का भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि 24 घंटे में 7 लाख 8 लाख व्यूज़ क्रॉस है, बट कभी मेरे वीडियोज़ को यूट्यूब ट्रेंडिंग में नहीं डालता, क्योंकि मैं उनका ना भाई हूँ, ना बहन हूँ, ना चाचा हूँ, ना भतीजा हूँ। तो ये थे टेक यूट्यूबर मनोज दे, जो यूट्यूब इंडिया के बारे में कुछ बात कर रहे थे और क्रेजी डीप के बारे में भी बात की। सो भाई लोग, चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। नेक्स्ट स्टोरी जो निकल के आ रहा है वो आदि पुरुष मूवी के ट्रीजर से निकल के आ रहा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आदि पुरुष मूवी 24 आवर्स में 100 मिलियन व्यूज गेन कर चुके हैं। वहीं निर्देशक ओम राउत ने बताया कि हमने इस मूवी का जो 3D है वो मीडिया को दिखाया और साफ किया कि इस फिल्म को उन्होंने 3D के अनुभव के लिए बनाई है, इसका असली आनंद मोबाइल पर नहीं लिया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि T-Series यूट्यूब चैनल के आंकड़े पर मिली व्यूज और लाइक्स इस प्रकार है। सो भाई लोग, मैंने तो स्क्रीनशॉट लगा दी है, आप पाउज करके पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट डे 2:20 में। तो अपना स्टूडियो वापस लेके चलते हैं भाई लोग। और हाँ, अगर इसी तरह अपडेट रहना चाहते हैं तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2:20 में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।